गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अवर चैप्टर नंबर 4, छोटूज हाउस, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल सी द एक्सरसाइज. इन प्रीवियस लेक्चर वी सी हार्ड वर्ड्स. ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. So let's start exercise. Okay, now see the question number 1. Choose the correct options. A, we sleep and take rest here. अब यहाँ पे question पूछा गया है कि हम जो rest करते हैं या फिर सोते हैं तो कहाँ पे सोते हैं, rest करते हैं. So the options are drawing room, kitchen, bedroom, bathroom. येस, यू ऑल आर नो बेडरूम, है ना? तो इसका आंसर आएगा 3, बेडरूम. देन है बी, वी टेक अवर बाथ एंड वॉश अवर क्लोथ्स हियर. हम लोग कहाँ पे नहाते हैं और अपने कपड़े कहाँ पे धोते हैं? द ऑप्शंस आर ड्राइंग रूम, बाथरूम, किचन, बेडरूम. येस, बाथरूम, है ना? हम लोग बाथ भी बाथरूम में करते हैं, कपड़े वॉश भी करते हैं. ओके, सो द आंसर इज 2, बाथरूम. देन है सी, अ क्लीन हाउस इज फ्री फ्रॉम, फिल इन द ब्लैंक्स. यानी कि आपका अगर घर क्लीन हो तो वो किससे फ्री रहता है? वाटर से, सनलाइट से, डिसीजेस से कि हीट से? यस, डिसीजेस, है ना? अगर आप अपना हाउस है जो उसे क्लीन रखोगे तो आपको डिसीज नहीं होंगे, अलग अलग रोग नहीं होगा. देन है डी, फिल इन द ब्लैंक्स कैचेस इट्स प्रे बाय वीविंग अ वेब. यानी कौन अपने जो प्रे है यानी कि शिकार है वो कैच करता है जाला बना के, वीविंग अ वेब. कौन बनाता है जाला? तो मकड़ी का जाला हम बोलते, तो मकड़ी बनाती है जाला, है ना? दैट इज द स्पाइडर वेब. तो ऑब्वियसली आंसर आएगा अ स्पाइडर. यहाँ पे ऑप्शंस है अ मॉस्किटो, सेकंड अ स्पाइडर, थर्ड अ लिजार्ड, फोर्थ अ लीज. सो द आंसर इज 2, अ स्पाइडर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स. ठीक है, यहाँ पे हेल्प बॉक्स मैंने दिया है जिसमें है गार्बेज, डिसइंफेक्टेंट्स, हाउस, ड्राइंग, पाइप. गार्बेज यानी कि कचरा, डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि जैसे कि हम लोग पोछा लगाते वक्त डिसइंफेक्टेंट्स डालते हैं, एक लिक्विड होता है जो कि जिससे कीटाणु मरते हैं, बैक्टीरियाज मर जाते हैं. दैट इज इन्फेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट्स, है ना? देन है हाउस, जो आपको पता है, ड्राइंग, एंड देन पाइप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड एंड प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स यानी कि हमारे दुश्मन या फिर शिकार जो करते हैं, कोई एनिमल्स बोलो. तो किससे, कौन हमारा प्रोटेक्शन करता है? बारिश से, हीट से, कोल्ड से या प्रीडेटर से? सो द आंसर इज हाउस, है ना? आप घर के अंदर रहोगे तो आपको बारिश, हीट, कोल्ड या फिर कोई एनिमल आके एकदम से खा सकता है? नहीं. ओके, देन है नंबर 2, वी यूज फिल इन द ब्लैंक्स टू क्लीन द टॉयलेट. टॉयलेट क्लीन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कौन सा लिक्विड होता है वो जिसमें बैक्टीरियाज मारने का कुछ केमिकल होता है? सो दैट इज़ द डिसइंफेक्टेंट्स. ठीक है, लाइक फिनाइल वगैरह, लाइजॉल, फिनाइल. देन है नंबर 3, वी रिसीव अवर गेस्ट इन द फिल इन द ब्लैंक्स रूम. हम लोग अगर गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ पे तो हम कहाँ पे उन्हें बिठाते हैं? यस, ड्राइंग रूम, है ना? जिसे आप हॉल भी बोलते हो, गेस्ट रूम भी बोलते हो. तो यहाँ पे ड्राइंग दिया है हेल्प बॉक्स में, तो
यू हैव टू राइट ड्रॉइंग हियर, ड्रॉइंग रूम. देन नंबर फोर, छोटू डिवाइडेड द फिल इन द ब्लैंक्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स. छोटू ने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या डिवाइड किया था? पाइप, है ना, क्योंकि उसका जो घर है वो पाइप में ही उसने बनाया था. तो उसने वो पाइप को डिवाइड क्यों किया? क्योंकि आपके भी घर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक बेडरूम, बाथरूम, किचन, हॉल. तो वैसे उसने पाइप को डिवाइड किया डिफरेंट पार्ट्स में. सो द आंसर इज पाइप. नंबर फाइव, फिल इन द ब्लैंक्स शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ. हमें प्रॉपरली डिस्पोज्ड क्या करना चाहिए? गार्बेज, यानी गार्बेज को हमें अच्छे तरीके से डस्टबिन में, ड्राई गार्बेज या वेट गार्बेज, ऐसे डस्टबिन पे लिखा हुआ होता है, तो हमें प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. ओके, सो हियर आर टोटल फाइव फिल इन द ब्लैंक्स आर हियर. सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू देखा है, जो कि क्वेश्चन वन था MCQs एंड क्वेश्चन टू फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो आपको एज अ होमवर्क आपको क्या करना है? आपको आपके इमेज के नोटबुक में एक्सरसाइज हेडिंग देना है, देन आपको क्वेश्चन नंबर वन एंड टू ईवीएस के नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है. ओके, सो आज का इतना होमवर्क है. देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अवर रिमेनिंग एक्सरसाइज. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.